ये तो आपको पता ही होगा कि प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है, बीन्स 20 रुपए पाव बिक रहा है, दालें भी दिल दहला रही। इसका नतीजा ये हुआ है कि खुदरा महंगाई दर 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है, 4.62% पर पहुंच चुकी है खुदरा महंगाई दर। सितंबर के महीने में यह दर 3.99% थी। खाद्य महंगाई दर तो 5.11% से बढ़ के 7.89% पर जा पहुंची है। दरअसल खाने पीने की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा महंगाई दर ने 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इसे समझिए, सब्जियां 26.1% महंगी हो गई हैं, दालें 11.72% महंगी हो गई हैं, मांस मछली 10.25% महंगा हो चुका है, पिछले एक महीने में अंडा 6.25% महंगा हो चुका है और फल 4% महंगे हो चुके हैं। और अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानसून लंबा खींचने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई और बेमौसम की बरसात ने प्याज की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मतलब आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमत कम नहीं होने वाली, इससे खुदरा महंगाई दर हो सकता है और बढ़े। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4% के आसपास रह सकती है।